आप सबका स्वागत करते हुए मेरे साथ सीनियर भारतीय जनता पार्टी के साथी और लोकतंत्र सेनानी श्री चंद्रमोहन शर्मा जी राजेंद्र बैठे हैं, सतपाल सिंह जी उड़ीसा में रहे काफ़ी पुराने कार्यकर्ता हैं और हमारे स्पोक पर्सन पार्टी के डॉक्टर प्रदीप जी। आज एक पुरानी यादों के झरोके से एक बड़ा सीरियस टॉपिक इस देश को लेकर, इस प्रदेश को लेकर आपके सामने आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास है। इस देश ने बड़ा विकट काल देखा, जिसे कहा जाता है कि डेमोक्रेसी की हत्या या काला दिन। वो काला दिन 25 अक्टूबर कल के दिन शुरू हुआ था, 25 जून कल के दिन शुरू हुआ था और 12 मार्च 1970 तक चला था। अब ये कहने को तो बड़ा असर लगता है कि आज प्रेस सेंसरशिप इम्पोज हो जाए तो आप कल्पना करें कि आपको सबको रोक दिया जाएगा, आप कोई भी न्यूज़ नहीं चलाएंगे गवर्नमेंट की प्री सेंक्शन के बिना, और सेंक्शन भी ऐसी कि प्री चेकिंग करके उसके बाद आपको अलॉट किया जाएगा, और कोई भी जो आपातकाल है, इमरजेंसी है, उसके बारे में नहीं दिखाएंगे। एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, देश के अंदर करप्शन का अगर गढ़ रहा तो उस समय भारत कांग्रेस सरकार थी। गुजरात के अंदर स्टूडेंट्स ने दिसंबर में एक आंदोलन शुरू किया, जब गुजरात के अंदर आंदोलन बढ़ा तो स्टूडेंट्स के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स ने शुरू किया था अपनी डिमांडों को लेकर, क्योंकि फी हाइक हुई थी। अब लोगों को लगेगा फी हाइक के लिए स्टूडेंट आंदोलन तो चल सकता है, लेकिन वो गुजरात का आंदोलन बन गया क्योंकि मोरारजी देसाई उसके साथ जुड़ गए थे। अल्टीमेटली वो आंदोलन इतना बड़ा कि करप्शन के खिलाफ लाया चेमन भाई पटेल, उस समय चीफ मिनिस्टर थे, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना चीफ मिनिस्टर करप्शन के चार्जेस पर उस आंदोलन के कारण, नव निर्माण का आंदोलन था, उसके कारण हटाना पड़ा। इसी तरह का एक आंदोलन 1975 के आते आते स्टूडेंट्स का यूनिवर्सिटी के अंदर बिहार के अंदर शुरू हुआ। उस आंदोलन के साथ जयप्रकाश नारायण उस समय के जो मेन नेता जो थे वो जुड़ गए। आंदोलन इतना बड़ा कि वो उन्होंने 25 तारीख को एक कॉल दे रखी थी कि 25 तारीख को रामलीला ग्राउंड में इकट्ठे होंगे। उससे पहले एक घटनाक्रम हुआ, 12 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि इंदिरा गांधी की इलेक्शन निरस्त की जाती है, खारिज की जाती है, क्योंकि ये माल प्रैक्टिसेस और करप्ट प्रैक्टिसेस और मिसयूज और ऑफिशियल मशीनरी के कारण ये इलेक्शन हुई थी। शी हैज नो लोकस टू स्टैंड रिमेन इन पावर, प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया गया। 12 जून को ये हुआ, सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस गई, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने, क्लीन स्टे देने से इनकार कर दिया और कहा कि सिर्फ टेम्परेरी अरेंजमेंट हम कर रहे हैं, उस टेम्परेरी अरेंजमेंट में आप लोग रह सकती हो, इंदिरा गांधी रह सकती है जब तक इलेक्शन नहीं होते, और इलेक्शन 6 साल लड़ने के लिए इंदिरा गांधी को रोक दिया गया। इतना बड़ा देश ने उस समय पीरियड देखा था, शायद आज की जनरेशन को कहीं को ध्यान में नहीं होगा। 25 मार्च को बंगाल के चीफ मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस में लेकर, बंसीलाल हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस में लेकर और संजय गांधी अपने बेटे को कॉन्फिडेंस में लेने, रातों रात देश के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर की गई। प्रेस की, फिर से मैं कह रहा हूँ, प्रेस सेंटर उस समय प्रिंट मीडिया में डोमिनेट करता था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बड़ा कम था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सिर्फ गवर्नमेंट का ही एक रेडियो स्टेशन चलते थे। प्रिंट मीडिया को रातों रात सुबह होने से पहले उन सब के कनेक्शन काट दिए गए, प्रिंटिंग के बिजली के कनेक्शन देश भर में काटे गए ताकि वो प्रिंट ना कर सकें। आप एक फिर से देखिए, देश भर के अंदर कनेक्शन बिजली के काट दिए गए विदाउट एनी नोटिस ताकि वो प्रिंट ना कर सके और वो प्रिंट नहीं कर सके। दूसरी बात, रातों रात लोग उठा लिए गए जिसमें जयप्रकाश नारायण शामिल है, अटल बिहारी वाजपेयी शामिल है, अपने एलके अडवाणी शामिल है, जॉन फर्नांडिस शामिल है। जॉन फर्नांडिस से उस काल में
रेल रोको के आंदोलन की काल दे दी थी और पूरे देश भर में चक्का जाम हो चुका था। ऐसे सारे हालात के अंदर इंदिरा गांधी ने देश के अंदर एमरजेंसी घोषणा की थी और देश के अंदर सिर्फ एक ही संस्था थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसने उसका विरोध किया था। दूसरी संस्था जो स्टेट पंजाब के अंदर अकाली दल था, उन्होंने विरोध किया, उन्होंने गिरफ्तारी दी थी। ये दो घटनाएं जो है, ये मेजर घटनाएं उस समय हुई थी। अब मेरा ये कहना है कि ये दोनों घटनाएं जो है, बाकी किसी ने विरोध नहीं किया था, देश के भर के अंदर गिरफ्तारियां हुई और गिरफ्तारियां तो ये नहीं थी कि 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 2 महीने के लिए गिरफ्तार किया गया, इनडेफिनेट गिरफ्तार किया जा गया था। सेक्शन 352 के तहत एमरजेंसी लगाई गई थी, उसमें प्रोविजन इनडेफिनेट अरेस्ट का था, सेंसरशिप थी। खाली सेंसरशिप नहीं, खाली प्रेस को नहीं रोका, कोर्ट को भी रोक दिया। कोर्ट कोई भी ऐसा विषय नहीं ले सकती थी कि जो एमरजेंसी को चैलेंज करता, कोर्ट उसकी अरेस्ट को चैलेंज नहीं कर सकती थी, कोर्ट उस पे नहीं सुन सकती कि एमरजेंसी ठीक लगी है कि गलत लगी है। इतना बड़ा भयंकर पीरियड 21 महीने चला और जब वो खत्म हुआ, उस एमरजेंसी को जब खत्म हुई, उसके बाद चुनाव हुए तो सारे देश ने देखा इंदिरा गांधी राजनारायण से चुनाव हारी और उसके बाद देश में परिवर्तन का दौर शुरू हुआ, जिसमें फिर से कोलिशन गवर्नमेंट बनना शुरू हुई, जनता पार्टी पूरा जी जैसा की गवर्नमेंट बनी थी। एक मैं अपना अनुभव अपनी याद आपके साथ माध्यम से पब्लिक तक ले जाता हूँ। मोरारजी डिसाई को बनाने के लिए जयप्रकाश नारायण के साथ सारे लोग मिलने के लिए चुने गए लोग प्रतिनिधि गए। मोरारजी डिसाई का नाम जयप्रकाश ने अनाउंस किया था कि ये प्राइम मिनिस्टर होंगे और सभी ने उसको एक्सेप्ट किया था। मेरा ये कहना है कि इस प्रकार का एक ब्लैक डे, एक काला अध्याय इस इतिहास में, क्योंकि हमने ऑटोक्रेसी नहीं अपनाई, हमने लोकतंत्र अपनाया, हमने कम्युनिज्म नहीं अपनाया, हमने ब्यूरोक्रेसी का इस तरह का कुछ पूंजीवाद का सिस्टम नहीं अपनाया, इस सारे को डिसोन करते हुए लोकतंत्र अपनाया था। लोकतंत्र की जम्मू कश्मीर के अंदर कम से कम 2000 से ज़्यादा लोगों को जेलों के अंदर ठूसा गया और उसमें कम से कम 150 लोग ऐसे थे जिसको इंडेफिनेट मिसा के अंदर 21 महीने रखा गया। कल ऐसे लोग जो मिसा के अंदर रखे गए थे इंडेफिनेट पीरियड के लिए, उन सबका सम्मान यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में सम्मान कर होगा, उनको ऑनर दिया जाएगा। यहाँ के गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी से हमने विषय लिया है, 12 स्टेट हैं जिन्होंने उन सबको रिकॉग्नाइज किया है एज लोकतंत्र सेनानी, उनको पेंशन दी है, डिफरेंट स्कीम उनके लिए चलाई है। हम कहते हैं प्रश्न पेंशन की बात का नहीं है, प्रश्न ये है उनकी ड्यू रिकॉग्निशन हमारी स्टेट के अंदर भी हो, ये मनोज सिन्हा जी ने माना है। हम उनका आभार प्रकट करते हैं और कोशिश कर रहे हैं, उनकी तरफ से रहेगी और हमारी भी कोशिश है वो जल्दी इसके ऊपर अनाउंस करें। और भारतीय जनता पार्टी के नाते, लेकिन कल भारतीय जनता पार्टी के लिए एक हिस्टोरिकल कदम है कि वो लोकतंत्र सेनानी जो उस समय जिन्होंने डेमोक्रेसी को बचाया, जिसके कारण हम और आप आपस में बात कर पा रहे हैं, खुल के बोल पा रहे हैं, कह पा रहे हैं, पब्लिक के अंदर जा रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, धरना दे रहे हैं, रैली से लोग निकाल रहे हैं, ये सब नहीं होता अगर ये लोग नहीं लड़े होते। उन सबका सम्मान कल सुबह 10 बजे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में किया जाएगा। दिल्ली से एक कार्यकर्ता जो पहले BMS के रहे हैं, अब लोकतंत्र सेनानी के सतीश जी शर्मा, उस कार्यक्रम में रहेंगे। धन्यवाद आप सबका, आपके आने के लिए।